नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, खबर रायपुर से है जहां पर दक्षिण उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, जिसको लेकर रायपुर कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दक्षिण उपचुनाव की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि केवल विधानसभा क्षेत्र में ही आदर्श आचार संहिता लागू होगी। नगर निगम और महानगर होने के कारण पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता नहीं लागू होगी। उन्होंने साथ ही बताया कि 18 से 25 अक्टूबर तक नामांकन भरा जाएगा, तो वहीं 13 नवंबर को मतदान के बाद 23 नवंबर को परिणाम आने हैं। बता दें कि क्षेत्र के 2,70,000 मतदाता विधायक के तौर पर विधानसभा के लिए अपना प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं। नगर पालिका के कार्यालय तथा निर्धारित वार्डों एवं समस्त ग्राम पंचायतों में निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। दावा और आपत्तियों को प्राप्त करने हेतु निर्धारित स्थलों की निकायवार वार्डवार कुल संख्या 240 है। सभी स्थलों पर दावा आपत्ति लिया जा रहा है तथा उसी प्रकार जनपद पंचायतों तथा सभी ग्रामों में दावे और आपत्तियां ली जा रही हैं। पंचायतों की कुल संख्या 406 है, जिसमें 6,195 पंच, 16 जिला पंचायत सदस्य एवं 100 जनपद पंचायत सदस्य हैं। दावे एवं आपत्तियों को प्राप्त करने की तिथि 16/10/2024 से 23/10/2024 अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित है। उसके पश्चात दावे एवं आपत्तियों के निपटारे की तिथि 29/10/2024 तक निर्धारित है, जिसके पश्चात दावे एवं आपत्तियों के आदेश के विरुद्ध अपील करने की तिथि निराकरण के 5 दिवस के भीतर किया जा सकता है एवं 22/11/2024 को निर्वाचित नामावली का अंतिम प्रकाशन की तिथि निर्धारित किया गया है। पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिले के निकायों तथा ग्राम पंचायतों में जाबो अंतर्गत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें और ब्रीफ हम एक आपको प्रेस विज्ञप्ति भी दे देंगे, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हमारी नगर पालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन की निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम, ये जो नगर पालिका है और त्रिस्तरीय पंचायत का जो आम निर्वाचन की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में भी कुछ आपको जानकारी देनी है कि प्रारंभिक प्रकाशन है तो चिन्हांकित विविध स्थानों पर रजिस्ट्री दिल्ली द्वारा दिनांक 15/10/2024 को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 51 रायपुर नगर दक्षिण के उप निर्वाचन का कार्यक्रम जारी किया गया है। कार्यक्रम जारी करने के साथ ही संबंधित विधानसभा क्षेत्र 51 रायपुर नगर दक्षिण में ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है, जिसे तो जिला दंडाधिकारी द्वारा संबंधित आदेश जारी कर दिए गए। विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र 51 रायपुर नगर दक्षिण के उप निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार है। अधिसूचना जारी होने की तिथि 18/10/2024 है। नामांकन की अंतिम तिथि 25/10/2024 है। नामांकन की संवीक्षा की तिथि 28/10/2024 है। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 30/10/2024 है। मतदान की तिथि 13/11/2024 है। मतगणना की तारीख 23/11/2024 है और 25/11/2024 वह तारीख है जिसके पहले चुनाव पूरा हो जाएगा। मतदाताओं की बात करें तो कुल 2,70,936 मतदाता पंजीकृत हैं, जिसमें से 1,33,713 पुरुष हैं, 1,37,171 महिलाएं हैं, 52 थर्ड जेंडर से जुड़े हुए मतदाता हैं, 5,014 मतदाता प्रथम बार के मतदाता हैं, 85 साल से ज्यादा के मतदाता 1,711 हैं, पीडब्ल्यूडी वोटर्स 1,188 हैं, सर्विस वोटर्स 57 हैं, मतदान केंद्र मूल मतदान केंद्र 253 है और सहायक मतदान केंद्र 13 हैं। सभी मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र में हैं। इसमें दिव्यांग कर्मियों के लिए और महिलाओं के लिए जो हम संगवारी मतदान केंद्र और दिव्यांग मतदान केंद्र या युवा कर्मियों द्वारा बनाते हैं, वो सारे मतदान केंद्र बनेंगे। विधानसभा को कुल 19 सेक्टर में विभाजित कर सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति कर ली गई है। इस पूरी उसके लिए पुष्पेंद्र शर्मा ज्वाइंट कलेक्टर रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में श्री राकेश देवांगन और विनोद कुमार साहू रहेंगे। उड़न दस्ता हेतु कुल 3 पालियों में 9 अधिकारियों की नियुक्ति कर ली गई है।
जो आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही कार्यशील हो गई है, और जो रूट वापसी मतदान कर्मियों की, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। नाम निर्देशन के लिए जो नाम निर्देशन कक्ष रहेगा वो कलेक्ट्रेट का कक्ष क्रमांक 9 रहेगा, और जो नाम निर्देशन के फॉर्म वितरण का कक्ष है वो कक्ष क्रमांक 1 कलेक्ट्रेट का रहेगा। निर्वाचन संबंधी जो भी अनुमतियां लेनी है वो कक्ष क्रमांक 17 एडीएम के ऑफिस से ली जाएंगी। जो 85+ पोस्टल बैलेट और इन सब की जो व्यवस्था है वो सारा उप संचालक कृषि के सभा कक्ष में होगी। व्यय अनुवीक्षण, मीडिया प्रमाणन, सी विजिल, शिकायत है तो जो कंट्रोल रूम बनेगा वो जिला पंचायत में प्रथम तल का जो ये गढ़कलेवा के ऊपर वाला एरिया है उस कक्ष में रहेगा। चिन्हित पद के लिए कक्ष क्रमांक 28 भू अभिलेख शाखा इसके लिए वो रहेगी, और वितरण वापसी स्ट्रांग रूम मतगणना स्थल ये सब शासकीय अभियंत्रिकी महाविद्यालय तेजबहार से होगा। बाकी इधर जो विगत विधानसभा निर्वाचन 2023 से और अभी तक जो मतदाताओं में वृद्धि हुई है वो 10,988 की है, जो 4.23% है, और अगर लोकसभा निर्वाचन से और इस बीच का देखा जाए तो ये 3,047 की संख्या है जो 1.14% की है। बाकी लगभग चीजें बताई दी गई हैं। आचार जो आचार संहिता है वो रायपुर दक्षिण का जो क्षेत्र है उसमें ही लागू होगी। आपका अगर कोई भी प्रश्न होगा तो हम उसका उत्तर, पूरा कंट्रोल रूम बना है, सी विजिल की व्यवस्था है, 24x7 कंट्रोल रूम चलेगा, शिकायत करें। बाकी जितनी भी आवश्यक पुलिस फोर्स की आवश्यकता होगी, जितनी लोकेशंस हैं, FST SST वो सब एक्टिव हो जाएंगे अपने अपने टाइम से, जिनकी जो टाइमिंग है, और जितने भी आवश्यक पुलिस बल की आवश्यकता पड़ेगी पूरी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं। सर, हर बार ये देखा गया है कि लोगों को देखिए बात कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, उसके लिए कैसे एक्शन? देखिए सी विजिल का जो ऐप है निर्वाचन आयोग का, वो इसीलिए है कि अगर ऐसी आपको कोई भी शिकायत मिलती है तो आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ जहाँ की शिकायत है वो सारी चीजें बता सकते हैं। FST हमारी एक्टिव रहेगी, SST एक्टिव रहेगी, कंट्रोल रूम जो चलेगा वहां का भी नंबर आपके पास रहेगा, तो कम्युनिकेशन आप हमें जानकारी दें, तत्काल कार्रवाई। जो व्यापारी हो, जो बड़े दुकानदार, उनके लिए कैश की कोई लिमिट है? व्यापारी जो होते हैं जो उससे नहीं जाएंगे उनके लिए कोई कैश की लिमिट है? नहीं, ऐसी अगर किसी जो भी निर्धारित रहती है कोई उसकी स्पेसिफाइड हमने अभी तय नहीं की है, लेकिन अगर कोई बड़ा वो होता है या कुछ होता है तो वो पूर्व अनुमति ले लेंगे, तो कोई समस्या। उधर जांजगीर चांपा जिले की 3 नगर पालिका और 8 नगर पंचायतों के लिए निर्वाचन मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया है और शुद्ध एवं त्रुटि रहित निर्वाचन नामावली तैयार करने के लिए दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया है। वहीं दावा आपत्ति के लिए 16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर का समय निर्धारित किया गया है। मतदाता ऑनलाइन और RO ARO के माध्यम से अपना नाम संशोधित जो है करा सकते हैं। इसी तरह ग्राम पंचायत चुनाव के लिए 24 अक्टूबर से मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा और नाम जोड़ने, घटाने और बदलाव करने की कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला के सभी मतदाताओं से इस मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया का लाभ उठाते हुए अपनी जानकारी को शुद्ध कराने की अपील की है। जी, आज हमने नगरीय निकाय चुनाव का जो मतदाता सूची है उसका प्रारंभिक प्रकाशन किया है। जिले में जो हमारे 11 नगरीय निकाय हैं, 3 नगर पालिकाएं हैं और 8 नगर पंचायतें हैं, उन सभी के वोटर लिस्ट का प्रारंभिक प्रकाशन करके आज 16 तारीख से 23 तारीख तक दावा आपत्ति का समय है। किसी भी प्रकार का संशोधन या चेंज या किसी का नाम जुड़वाना जो रह गया था वो सारे अपने जो हमारे नागरिक हैं, मतदाता हैं, वो चेक करके उसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म का के अंदर, फॉर्म का और खा में। तो उसके बाद से 23 तारीख के आस 24 तारीख के आसपास हम लोग इस
में दावा पत्र निराकरण करके अंतिम प्रकाशन के लिए प्रोसीड करेंगे। उसी प्रकार से जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत राज सिस्टम के अंदर ग्रामीण क्षेत्र की वोटर लिस्ट है, वो भी हमारी 24 तारीख को उसका प्रारंभिक प्रकाशन होगा, उसके बाद में 29 तारीख तक दावा पत्र का रहेगा। तो सभी नागरिकों से मेरा अपील है कि वो अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक कर लें। अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक पोर्टल भी ऑनलाइन पोर्टल चालू करा गया है, जिसमें व्यक्ति अपने नगरीय निकाय और अपने वार्ड का चयन करके अपना नाम के इंग्लिश में अपने नाम को डाल के सर्च कर सकता है, और सर्च करने के आधार पर अगर उनको लगता है कि कोई भी चेंज कराने की आवश्यकता है तो संबंधित वो जो हमारे एईआरओ या ईआरओ हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। उधर रायगढ़ की किरोड़ीमल नगर पंचायत के सीएमओ रामनारायण पांडे को रायपुर से पहुंची एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ने में सफलता हासिल की है। दरअसल एसीबी की टीम को एक शिकायतकर्ता वरुण पांडे ने रामनारायण पांडे के काम के बदले रकम मांगने की जानकारी दी थी, जिसके बाद एसीबी की टीम ने नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर के कार्यालय में बैठे सीएमओ रामनारायण पांडे को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल मामले को लेकर जो है पीड़ित की शिकायत और उसके बयान के आधार पर एसीबी सीएमओ रामनारायण पांडे से पूछताछ कर रही है। नगर पंचायत सीएमओ साहब के पास आया था गुमास्ता के लिए, है ना। तो सीएमओ साहब बोले कि गुमास्ता बना कर दूंगा बट 2500 रुपया लूंगा, इसके बाद बना कर दूंगा। मैंने बोला कि सर सारा चीज मेरा मकान का टैक्स एग्रीमेंट बिजली बिल संपूर्ण डॉक्यूमेंट है, तो फिर पैसा किस चीज का। बोले वरुण लगता है देना है तो ठीक है, नहीं तो तू बंद कर दू। मैं बोला सर पता बंद कर दू। बोले बंद कर दे तेरी मर्जी। फिर मैंने जो है आवेदन दिया एंटी करप्शन ब्यूरो के पास एंटी मतलब, इसके बाद जाकर जो है कार्रवाई की। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई मतलब राजनीति किसी प्रकार का नहीं है, वो मेरा व्यक्तिगत मतलब है, क्योंकि हमें राजनीतिक से मतलब। आप पैसा दिया था उनको कि नहीं दे पाए? हाँ, मतलब दिया हूँ मैं उनसे पैसा, सब चीज दिया गया। एक बार 10,000 रुपया दिया था, इसके बाद दूसरे बार मतलब साहब के आदेश के मतलब जैसे ये लोग करते हैं एंटी करप्शन वाले, तो फिर उसके तहत मैंने आज दिया तुरंत। आप जागरूक युवा हैं, एक अच्छा अच्छी कार्रवाई आपके द्वारा हुई है, कुछ बोलना चाहेंगे युवाओं को जैसे? हाँ, इसमें मैं यही बोलना चाहूंगा कोई भी हो अगर यदि किसी का शासकीय काम रुकता है तो कार्रवाई करवाए। शासन मतलब हर चीज के लिए अगर यदि सुरक्षा दिया है या मतलब सिस्टम है तो सिस्टम के तहत काम करें। लोग जो है बेमतलब का किसी भी अधिकारी को पैसा ना दे। यहाँ के स्थानीय सीएमओ द्वारा प्रार्थी अरुण से गुमास्ता संबंधित रिश्वत की मांग की थी, जिसका सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान उसके द्वारा मांग की पुष्टि होने पर आज कार्रवाई की गई। निसंदेह में 25,000 की डिमांड की थी और दोनों बीच 20,000 का सौदा हुआ था और उसकी अंतिम किस्त उसको आज दिया, जिसको पकड़ा गया। बरामद हुआ मौके से जो रिश्वत की रकम है उसको बरामद किया गया। रायपुर दक्षिण उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कांगाले ने उपचुनाव की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि केवल विधानसभा क्षेत्र में ही आदर्श आचार संहिता लागू होगी। नगर निगम और महानगर होने के कारण पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता नहीं लागू होगी। मतदान के दौरान 5 कंपनियां तैनात रहेंगी। उन्होंने कहा कि 13 नवम्बर को उपचुनाव होगा जबकि 23 नवम्बर को वोटों की गिनती होगी। नगर दक्षिण विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है और इस उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जो है वहां पर आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा सीट अनारक्षित सीट है और जो कार्यक्रम है वो इस तरह से रहेगा कि अधिसूचना का प्रकाशन 18 अक्टूबर को होगा और नामांकन जो दाखिला है वो 25 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर तक के लिए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जो समीक्षा है वो 28 अक्टूबर को होगी और मतदान की तिथि 13 नवंबर, मतगणना की तिथि जो है वो 23 नवंबर है और तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन संपन्न करना होगा वो 25 नवंबर रहेगा। हमने रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र हेतु पुख्ता व्यवस्था सुरक्षा और कानून की है। 5 कंपनियां वहां पर तैनात की जाएगी और स्ट्रॉन्ग रूम, काउंटिंग सेंटर,
इसी तरह विभिन्न सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ ये वहां पर तैनात रहेंगे। जो आयोग के निर्देश है वो मतदाता पहचान पत्र के माध्यम से ही मतदान होगा, और इसके अलावा जो है 12 विविध पहचान पत्रों को भी इस बार निर्वाचन में मान्यता रहेगी। जो नाम निर्देशन पत्र है वो नाम निर्देशन पत्र मैंने आपको बताया है कि उसके लिए हमने व्यवस्था कर ली है, वो कलेक्ट्रेट परिसर में हमारे रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी उपस्थित रहेंगे। और जो अधिसूचना प्रकाशन की डेट है और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है उसके बीच में ये नाम निर्देशन पत्र वहाँ पर सबमिट होंगे। विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या है 2,70,936, जिसमें 1,37,713 पुरुष है और 1,37,171 महिला मतदाता है। इस तरह महिला मतदाता की संख्या पुरुषों से अधिक है और 1,000 पुरुषों से 1,026 महिला मतदाता इस क्षेत्र में है। तृतीय लिंग मतदाता 52 है, सेवा मतदाताओं की संख्या 59 है, दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1188 है और कुल मतदाता जो 18 और 19 वर्ष के प्रथम बार मतदान करेंगे वो है 5,014। 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता 1,711 है, 100 वर्ष आयु या शतायु ऐसे 56 मतदाता है। जो दिव्यांग मतदाता है और जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता होंगे उनको घर पर ही मतदान या डाक मतपत्र जिसे कहा जाता है उसकी सेवा उपलब्ध रहेगी। और अधिसूचना प्रकाशन यानी 18 अक्टूबर से 5 दिवस के अंदर इन्हें यदि ये विकल्प लेते हैं तो अपने घर की सुविधा से ये मतदान कर सकेंगे। इसके अलावा यदि वो चाहे तो मतदान केंद्र पर भी मतदान कर सकते हैं। इनके लिए दिव्यांग रथ की विशेष व्यवस्था रहेगी जो घर से ही इन्हें निःशुल्क सेवा परिवहन की प्राप्त होगी मतदान केंद्र तक मतदान केंद्र। रायपुर नगर दक्षिण में कुल 253 मतदान केंद्र है और विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन के समय भी इतने ही मतदान केंद्र थे। 119 मतदान केंद्र लोकेशन है। इस बार हमने अलग ये किया है कि 253 मतदान केंद्र जो हमने बनाए थे पिछले बार उस समय 1500 से अधिक ऐसे जितने मतदान केंद्र थे वहां पर हमने कुल 2 मात्र ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन दिए थे। इस बार इस संख्या को हमने बढ़ा दिया है और 13 ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन हमने बनाए हैं। सघन लोक जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र है ये और हम उम्मीद करते हैं कि सुविधा के लिए ये काफी कारगर और सहयोगी रहेगा। विधानसभा में 10 सरकारी मतदान केंद्र भी हम बनाएंगे जो पूर्णतः महिला कर्मचारियों के द्वारा संचालित रहेगा। 5 आदर्श मतदान केंद्र, 1 दिव्यांग ग्रुप के द्वारा संचालित मतदान केंद्र और 5 पूर्णतः युवाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्र रहेगा। और सभी बुजुर्गजनों और दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए जो है मतदाता मित्र हम तैनात करेंगे। इनमें 253 मतदान केंद्रों में से 127 ऐसे मतदान केंद्र होंगे जहां पर सीधे लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी होगा। जो मतदाता ईडीसी के लिए ऐसे निर्वाचन कर्मी जो कि ईडीसी के लिए पात्र होंगे विधानसभा क्षेत्र में जिनकी ड्यूटी लगेगी और जो कि वही के मतदाता है उन्हें ईडीसी का भी हम सहायता देंगे। इसके अलावा जो सेवा मतदाता है उन्हें ETBBMS से भी मतदान करने की पात्रता रहेगी। इसके अलावा जितने निर्वाचन कर्मचारी वहां पर लगे होंगे उनको यदि वो प्रारूप 12 में आवेदन करते हैं तो डाक मतपत्र के माध्यम से विहित सुविधा केंद्र के माध्यम से वो मतदान भी कर सकेंगे। नाम निर्देशन की व्यवस्था के लिए जिला मुख्यालय में हमने तैयारी की है और अभ्यर्थियों से ये आग्रह रहेगा कि
कि जो आयोग के निर्देश है कि नामांकन कक्ष में कुल 5 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे और जो रोड शो है उसमें भी मात्र 3 वाहनों की जो है बाध्यता रहेगी। प्रचार प्रसार के लिए हमने करेंगे कि अधिक से अधिक जो है मतदान का प्रतिशत रहे और 13 नवंबर को जो तय है मतदान दिवस उस दिन जो है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं फिर सभी जयपुर नगर दक्षिण के मतदाताओं से करूंगी कि वे अवश्य अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जो लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय और विधानसभा में इस विधानसभा क्षेत्र का मतदान प्रतिशत जो है जिले के एवरेज से काफी कम था, केवल 60% विधानसभा में और 61.4% जो है लोकसभा में यहाँ मतदान हुआ था। पूरे जिले का औसत जो है 66% रायपुर जिले का रहा है और राज्य 72% लोकसभा में यहाँ पर वोटिंग हुई थी, तो राज्य और जिले के औसत से भी इस विधानसभा क्षेत्र में काफी कम मतदान का प्रतिशत रहा है। इस बार कोशिश अवश्य यह रहेगी कि अधिक से अधिक मतदाता जुड़े। यहाँ तक आदर्श आचरण संहिता का सवाल है तो जो अद्यतन निर्देश है उनके आधार पर जो भी आयोग के इसमें डायरेक्शन है कि यदि उपचुनाव घोषित होता है तो जनरली उपचुनाव का जो आदर्श आचरण संहिता का परिक्षेत्र होता है वो संपूर्ण जिला रहता है, परंतु यदि वो राज्य की राजधानी है या महानगर है अथवा किसी नगर निगम के अधीन आता है तो ऐसे परिस्थिति में केवल उस विधानसभा क्षेत्र का परिसीमाएं या परिक्षेत्र ही मात्र आदर्श आचरण संहिता से प्रभावित रहेगा। तो हमारी आदर्श आचरण संहिता से संबंधित जो ट्रेनिंग हमने कलेक्टर्स की ली है और जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी सभी को हमने इसके संदर्भ में निर्देश दिए हैं। संपत्ति विरूपण के प्रभावित क्रियान्वयन के लिए कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसमें जितने भी शासकीय संपत्तियां इस विधानसभा क्षेत्र में स्थापित है, जितने भी शासकीय कार्यालय है वहां पर 24 घंटे के अंदर सभी प्रकार के दीवार लेखन पोस्टर स्टिकर्स बटन होर्डिंग पैनल और झंडे उतरवा दिए जाएंगे। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति के जो भी विरूपण है वो सार्वजनिक संपत्ति पे 48 घंटे के अंदर और निजी संपत्ति पे 72 घंटे के अंदर जो है वो हटा दिया जाए। शासकीय वाहनों के उपयोग राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा और सरकारी खर्च पर जो भी विज्ञापन होंगे उस पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए जो वाहनों की अनुमति है वो आवश्यक और अनिवार्य रहेगी और जो वाहन बिना परमिट के पाए जाएंगे चुनाव प्रचार में संलिप्त ऐसे सभी वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। मौन अवधि को छोड़कर अभ्यर्थियों के लिए वाहनों की संख्या की कोई सीमा नहीं रहेगी और प्रचार के लिए किसी भी सरकारी वाहन का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। आम सभा के लिए सार्वजनिक स्थलों की पहचान हमने पूर्व से कर ली है। यदि सभा स्थल पर कोई शैक्षणिक संस्था है या सभा के पूर्व संस्था प्रबंधन से अनापत्ति नहीं लिया गया है तो ऐसे में ऐसे सभा स्थल पर किसी भी प्रकार की सभा पर प्रतिबंध रहेगा। सभा का आयोजन रात 10 बजे के पश्चात प्रतिबंधित होगा। आयोजन की जाने वाली प्रत्येक सभा की अनुमति आवश्यक होगी जिला निर्वाचन अधिकारी से। मतदान समाप्ति के निर्धारित समय के 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान कोई भी सभा आयोजित नहीं की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।